सभी मेरे साथ सीधे खड़े हो जाएंगे। वैसे युवाओं को तो मोटा होना ही नहीं चाहिए, ना दुबला रहना चाहिए। मैं सुबह उठ करके दौड़ लगाता हूँ। जो युवा होता है वो यदि थोड़ी दौड़ लगाता है, थोड़ा सूर्य नमस्कार करता है, व्यायाम करता है, तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म बैलेंस रहता है। वैसे भी 40 वर्ष से कम उम्र तक बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, तो मोटापा होने की संभावना न के बराबर होती है। लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग एंड अनहेल्दी ईटिंग, स्ट्रेस, ये तीन बीमारियों के बड़े कारण। स्ट्रेस, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग एंड अनहेल्दी ईटिंग, इसके कारण से शरीर में मोटापा से लेकर के सारे रोग बढ़ जाते हैं। इसके लिए मैंने कहा युवा हैं वो दौड़ लगा सकते हैं, तैर सकते हैं, खेल सकते हैं, योगिक जॉगिंग से लेकर के सूर्य नमस्कार और तमाम तरह के योगाभ्यास, जिसमें भी एक साइंटिफिक फिजिकल एक्टिविटी होती है, वो सब हमारे मोटापा के लिए उपयोगी है। अभी हम आपको बता रहे हैं 12 आसन, ये मोटापा के लिए खास अभ्यास है। प्राणायाम की भी विशेष भूमिका है। दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे सिर पर रख लें, हाथ नीचे लाइए। कोई भी आसन करते हैं तरीके से करना है, तो जब भी हाथ ऊपर करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे हाथ कंधों तक आते हैं तो ऐसे हाथ रहते हैं, जब कंधों के ऊपर हाथ जाते हैं तो हथेलियां ऊपर की ओर हो जाती हैं और ऐसे हाथ जाते हैं ऊपर, ऐसे मिलाएंगे, सिर के ऊपर रखेंगे, हाथ उठाएंगे, दाहिनी ओर झुक जाएंगे। राइट साइड से कोई भी अभ्यास, चाहे वो आसन हो, चाहे वो सूर्य नमस्कार हो, दाएं से प्रारंभ करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड, यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता होनी चाहिए। फिर लेफ्ट साइड से ऐसे और झुके और झुके, मोटापा कम करने के लिए ये प्रथम अभ्यास है। तिर्यक ताड़ासन, पहले धीरे धीरे करना, बाद में तेजी से करना। खड़े होकर के तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, ये चार अभ्यास है। विधि पूर्वक करना, पहले धीरे धीरे करना, बाद में तीव्रता पूर्वक करना। दोनों हाथ पार्श्व भागों से नीचे, समग्रता में स्वास्थ्य को समझना और समग्रता के साथ ही जीवन के प्रत्येक पुरुषार्थ को करना। समग्रता से जानना, समग्रता की भाव संवेदना समग्रता से करना। दाया हाथ उठाइए। लैक ऑफ नॉलेज, ये बहुत बड़ी समस्या है, ज्ञान की न्यूनता, संवेदनाओं की न्यूनता, पुरुषार्थ की न्यूनता। ऊपर वाला हाथ नीचे की ओर, हथेली उसकी, ऊपर वाला हाथ कान से सिर से लगाओ। पहले एक दो बार धीरे किया, फिर तेजी से कीजिए। जीवन के विभिन्न संदर्भों में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, जीवन के सभी संदर्भों में समग्रता से जानना, समग्रता से करना। रिलैक्स। इस अभ्यास को ऐसे 25-50 बार कर लिया। एक ही दिन में हम 1-2 किलो वजन कम कर सकते हैं। पहली बात, खाने पर नियंत्रण, पेट साफ रखने के लिए थोड़ा खाना हल्का खाएं और रात को त्रिफला चूर्ण ले लें, पेट साफ कर लें।
उसके बाद जो अभ्यास बता रहा हूँ इन इसके पहले दिन एक, फिर दूसरे दिन दो, तीसरे दिन तीन, चौथे पांचवें दिन चार पांच राउंड करें, तो 15-20 दिन में आप 15-20 किलो वेट कम कर सकते हैं। 15-20 किलो। देखो, जब तक तीव्र संवेग नहीं होता जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता, कुछ भी हासिल नहीं होता। आप पढ़ रहे हो और तीव्र संवेग नहीं होगा तो आप फिर 100 में से 95, 99 या 100 नंबर नहीं प्राप्त कर सकते, उत्तीर्ण तो हो ही जाओगे, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, साधारण बात है। तीव्र संवेग विद्यार्थी काल में पढ़ने में, तीव्र संवेग फिर जिस भी सेक्टर में तुम इंडस्ट्री में हो, एग्रीकल्चर में हो, या पॉलिटिक्स में हो, या मेरी तरह से आप स्पिरिचुअल फील्ड में हो, तीव्र संवेग, उसके बिना कोई काम होता नहीं है। बीमार भी हो गए तो उससे बाहर निकलने के लिए कि मुझे रोगी होकर के नहीं जीना, मुझे इस मोटापे क्यों नहीं ढोना, मुझे बीमारियों को बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, कार्ब, एसिडिटी, एसएलईएमएस, ऑटोमेटिक डिजीज, कैंसर के साथ नहीं जीना। मैं बार बार कहता हूं, अशुभ से समझौता नहीं करना। दो अभ्यास हो गए, अब तीसरा अभ्यास। दाएं हाथ से बाएं पैर को ऐसे छुई, बायां हाथ पीछे ऊपर की ओर, हथेली सामने, ऐसे हथेली का रुख सामने की ओर, फ्रंट साइड बाम का रुख, और झुकिए 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 नीचे की तरफ, फिर दूसरी तरफ से ऐसे ऊपर वाले हाथ के हथेली का रुख सामने की ओर और अधिकतम नीचे झुक जाते हैं। फिर इसको थोड़ा फास्ट करेंगे, थोड़ी घुटनों से लग जाए, रिलैक्स। कितनी बार करना है ये? 25 से 50 बार। कितनी बार? 25 से 50 बार। तीव्र संवेगानाम आसन्नः, बोलो, ये योग सूत्र है, ज्ञान का, भक्ति का, पुरुषार्थ का, संकल्प का, संवेदनाओं का, संघर्ष का, उत्साह का, पराक्रम का, शौर्य का, वीरता का, तीव्र संवेग जीवन के हर क्षेत्र में। इस देश में एक कुछ बड़ी कुंठाएं हैं, उसमें एक कुंठा यह है कि यहां वीरता की निंदा होने लगी। जीवन के हर क्षेत्र में वीरता होनी चाहिए, कोई भी क्षेत्र हो जीवन का। हाँ, बिना वीरता के आप कुछ भी नहीं कर सकते। वीरता, कर्म, पुरुषार्थ, इसकी निंदा नहीं होनी चाहिए कभी भी। ऊपर उठाओ, श्वास बाहर छोड़ो, आगे झुको, अभ्युदय, वीरता, पुरुषार्थ, अभ्युदय, इसकी निंदा नहीं होनी चाहिए। श्वास बाहर छोड़ो, माथा घुटनों से लगाओ, रुको रुको रुको, दोनों हाथों को पंजों के पास रख देते, माथा घुटनों से लगाते हैं, हथेली पूरी जमीन पर टिकाते हैं, पर धीरे होता है, पाद हंसता, फिर हाथ ऊपर, एक साथ पीछे पूरा, फिर आगे, डिफरेंट एंगल से एक्सरसाइज करा रहे हैं। योगा अभ्यास में भी समग्रता, इंक्लूसिव अप्रोच इन योगा, इंक्लूसिव अप्रोच डेवलपमेंट, समग्र विकास, समग्र स्वास्थ्य। लंबा गहरा श्वास, हाथ पीछे, सांस अंदर भर के पीछे, सांस बाहर छोड़ के आगे। अब फास्ट ऐसे, हाथ भी पास में रहे, ज्यादा दूर नहीं, आगे हाथ के पंजे, पैर के पंजे के ऊपर टेके, पीछे जाते हैं तो हाथ ऐसे पास, रिलैक्स। देखो कुछ क्या करते हैं, ऐसे करेंगे,
ऐसे नहीं, जो करे कुशलता पूर्वक। सब मेरे साथ बोलिए, योगा कर्मसु कौशल कौशल। चार अभ्यास हुए। पहला अभ्यास का क्या नाम था? तिर्यक ताड़ासन। दूसरा त्रिकोणासन। फिर अगला कोणासन। फिर ये चौथा पादहस्तासन। बैठ जाइए। एक एक अभ्यास को कितनी बार करना है? 25 से। और कैसे करना है? कुशलता पूर्वक। कैसे करना है? स्किलफुली। स्किलफुल हो लाइफ। जिसकी लाइफ में स्किल नहीं है, योग में भी स्किल। कर्मयोग में जो भी आपका एक्शन है उसमें कुशलता। आजकल तो सरकार ने भी स्किल इंडिया, कुशल भारत, कौशल भारत योजना ही शुरू कर रखी है। भगवान करे शुभ हो सब दिशाओं से राष्ट्र का। कौनिया सीधी आगे जाते हैं, देखो ऐसे पंजों के ऊपर से, पीछे जाते हैं तो जंघाओं के ऊपर से। यस, जो करें स्किलफुली करें। योग हो, कर्म योग हो, जीवन का पुरुषार्थ हो, परमार्थ हो, कुशलता पूर्वक करना। आगे पीछे लंबे लंबे श्वास, ये मूलभूत सिद्धांत है। लंबे लंबे श्वासों के साथ योगाभ्यास, खास करके मोटापा आदि बीमारियों में, क्योंकि तीव्रता पूर्वक अभ्यास कराते हैं। लंबे लंबे श्वास, एकाग्रता, प्रसन्नता पूर्वक समाहित होकर के। योग में दो शब्दों की बड़ी महिमा है, एक पुरुषार्थ, दूसरा प्रार्थना। प्रार्थना का अर्थ होता है भीतर से पूर्ण सहजता, भीतर से पूर्ण विश्राम, भीतर से पूर्ण शांत रहना, ये प्रार्थना है। और बाहर से पूर्ण क्रियाशील रहना, कुछ भी अपना बचा के नहीं रखना, ये पुरुषार्थ है। भीतर से प्रार्थना, बाहर से पुरुषार्थ, ये हुआ चक्की आसन। अब दोनों हाथ पार्श्वभाव, स्थित कोणासन। क्या नाम है बोलिए? दोनों पैरों को खोल लीजिए। देखो जब भी पैर सामने ऐसे हो, सीधे लेटे हो, उल्टे लेटे हो, पंजे ऐसे तने हुए, ये स्थिति होती है। ऐसे दोनों हाथ कंधों के समानांतर, न ज्यादा ऊंचे न ज्यादा नीचे। हथेलियों का रुख नीचे की ओर, दाहिने हाथ से बाएं पैर को छुएंगे। बाएं हाथ की हथेली सामने की ओर, दो दूसरी ओर, फिर ऐसे दाएं हाथ की हथेली सामने की ओर, ऐसे सामने पूरा शरीर खिंचा हुआ। डिफरेंट एंगल से बॉडी को मोटिवेट कर रहे हैं, डिफरेंट एंगल से एक्सरसाइज इसलिए दे रहे हैं, किसी के हाथ मोटे, किसी के पैर, किसी का पेट, किसी की पीठ, कोई आगे से कोई पीछे से, विभिन्न दिशाओं से एक्सेस फैट डिपॉजिट हो जाता है, फिर शरीर भी बदसूरत हो जाता है। और मात्र बदसूरती और खूबसूरती की बात नहीं, वो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर फैट डिपॉजिट होकर के डिफरेंट प्रकार के डिजीज को जन्म देता है। पेट पर फैट इकट्ठा हुआ तो मधुमेह को जन्म देता है, और थोड़ा ज्यादा फैट डिपॉजिट हुआ तो फिर वो हार्ट डिजीज को बढ़ाता है, और ज्यादा मोटे हो गए तो फिर वो घुटनों को घिसाता है। रिलैक्स, मोटापा और मोटापा की कॉम्प्लिकेशंस। अब मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात कर रहा हूं, डिजीज और डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस जो इस समय पूरी दुनिया में एलोपैथी छा गई। क्यों? योग और आयुर्वेद का, प्राकृतिक चिकित्सा का, वैदिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग कमजोर पड़ गए। ये महिमा इस बात की नहीं है कि एलोपैथी में कोई ताकत है, हमारी कमजोरी का फायदा एलोपैथी वालों ने उठाया और अपनी उस जहरीली विद्या का प्रचार पूरी दुनिया में कर दिया, आयुर्वेदो अमृता नाम। और जो अमृत था वो नीचे आ गया। किसके कारण से?
उस आयुर्वेद का प्रतिनिधित्व करने वाले, आयुर्वेद के हम उत्तराधिकारी, योग के, भारतीय संस्कृति के, सात्विकता के हम प्रतिनिधि कमजोर पड़ गए। इसलिए राजसिक और तामसिक विद्याएं पूरी दुनिया में छा गई, दोनों पैर सामने हैं। इसलिए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, पूरी दुनिया में मिथ्या मतपन संप्रदायों का प्रचार हो रहा है। इसलिए नहीं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए कि जो अच्छे हैं और सच्चे हैं वो ढीले पड़ गए। श्वास बाहर छोड़ो, आगे झुको, पश्चिमोत्तानासन, माथा घुटनों से लगाना, कोहनियां जमीन पर टिकाना। फिर इसको तीव्रता पूर्वक करना। जिनके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी कम है, थोड़ा दूध में हल्दी और शिलाजीत ले लेना। धीरे धीरे अभ्यास करना, अभ्यासों से जिनका की बॉडी स्टिफ है वो भी धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होगी। और किसी की स्वभाव से ही फ्लेक्सिबल होती है, किसी की बॉडी, किसी का माइंड, किसी की लाइफ बड़ी फ्लेक्सिबल होती है। कुछ बड़े टेढ़े होते हैं, बड़े अड़ियल होते हैं। ज्यादा करना हो तो पीछे पूरे लेट जाओ, आगे पूरे झुक जाओ। रिलैक्स। देखो खड़े होके चार अभ्यास, त्रिताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, बैठ करके चक्की आसन, स्थित कोणासन, पश्चिमोत्तानासन, कितने हो गए? सात। दो उल्टे लेट करके 9, सीधे लेट के 3, 12 मूल अभ्यास, मोटा पानी। उल्टे लेट जाइए, जब भी योग करे कराएं तो समग्रता से अपने आप को इसमें समाहित करें। इसलिए मैं योग कराते समय आपके दिमाग को, आपके दिल को, आपकी बॉडी को, बॉडी माइंड थॉट्स सब तरह से आपको मैं जोड़ के रखता हूँ। थोड़ी जमीन पर, दोनों हाथ पीछे पास में, दोनों पैर पीछे पास में, दोनों हाथ जंघाओं की छाती के दोनों साइड में, अंगूठी से अंगूठा, एड़ी से एड़ी मिली हुई, घुटने सीधे, पंजे तने हुए पीछे की ओर, सामने उठा देंगे। पहले अभ्यास को धीरे धीरे करना, एक दो बार धीरे करने से स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है, प्रैक्टिस में परफेक्शन आ जाता है। फिर नीचे आ गए, श्वास अंदर भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। पहले ऐसे एक दो बार धीरे किया, फिर तीव्रता पूर्वक रिलैक्स। मकरासन में विश्राम के लिए हथेली पथेली उस पर माथा ऐसे लगे, एड़ी अंदर पंजे बाहर ऐसे खोल देते हैं तो पूरी रिलैक्स हो जाती है। मकरासन विश्राम का आसन, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे। दूसरा अभ्यास, फैट जो नाभि के ऊपर बढ़ा हुआ होता है उसको कम करने के लिए भुजंगासन बहुत अच्छा है। जो नीचे बढ़ा है नाभि के, उसके लिए शलभासन। ये डिफरेंट एंगल से इसलिए पोस्चर्स करवाए जा रहे हैं आपको। कोहनियां पूरी सीधी हो जाएंगी, पैर पीछे पास में, पूरे परफेक्शन के साथ, 100% परफेक्शन मेथड, 100% परफेक्ट, स्किलफुली करना है। अब इसको थोड़ा फास्ट कर देते हैं तो पूरा ऊपर जाना, पूरा नीचे आना, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऊपर गए श्वास, अंदर नीचे आई श्वास, बाहर। Yes.
रिलैक्स। एक तो रिलैक्स होने का ये तरीका है, हथेली पर हथेली, उस पर माथा, एड़ियां अंदर पंजे बाहर, पूरे रिलैक्स हो जाते हैं। इससे एक चीज का और भी पता लगता है, पीछे से यदि पैर की एड़ियां ऊपर नीचे हैं, इसका मतलब आपका स्ट्रक्चरल बैलेंस गड़बड़ है। अब चलो ऐसे लेटो एक बार जरा, ये स्ट्रक्चरल बैलेंस मैंने एक शब्द बोला अभी, अब उल्टे लेट करके यदि पैर की एड़ियां एकदम इक्वल डिस्टेंस पर हैं, ऐसे लेटने के बाद किसी की एक ऊंची किसी की एक नीची, तो पता लगता है कि स्ट्रक्चरल बैलेंस ठीक नहीं है। ऐसे लेट जाओ मकरासन का दूसरा अभ्यास है विश्राम का, सीधे लेटने के बाद आपके अंगूठे ऊपर नीचे होते हैं, इसका मतलब आपकी नाभि डिगी हुई है, और ये एड़ी ऊपर नीचे है तो इसका मतलब आपकी स्पाइनल कॉर्ड में गड़बड़ आनी शुरू हो गई है। ये इंडिकेशन है कि स्ट्रक्चरल बैलेंस ठीक नहीं है। योगियों का स्ट्रक्चर और करेक्टर अच्छा नहीं होगा तो योग ही बदनाम हो जाएगा। हमें योग को बदनाम नहीं होने देना, हमें वेदों को बदनाम नहीं होने देना, हमें आयुर्वेद को बदनाम नहीं होने देना, ऋषियों को, ऋषि संस्कृति को बदनाम नहीं होने देना। ये भारत की विद्या है, इस भारतीय विद्या को बदनाम नहीं होने देना। ये बहुत बड़ी बातें हैं। खैर ये तो विश्राम के लिए था, भुजंगासन के दो अभ्यास किए, ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी अच्छा है और मोटापा के लिए। दो तरह से मैं लाभ बताया करता हूँ, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे रख लेंगे, एक मुख्य लाभ एक गौण लाभ। कैसे लाभ बोलिए, मुख्य लाभ और मुख्य लाभ और गौण लाभ का प्रयोजन ये है। थोड़ी जमीन पर एक एक पैर को पीछे से उठाएंगे, नीचे लेके आएंगे, जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं कि इसको तीव्रता पूर्वक करने से मोटापा कम हो जाता है, ये मुख्य लाभ का संकेत कर दिया। इसका गौण लाभ है इससे रीढ़ की हड्डी अच्छी होती है, इससे पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस होता है। जिस अभ्यास से जो सर्वाधिक लाभ होता है उसको मुख्य लाभ ऐसा संज्ञा दे दी। दोनों पैरों को एक साथ भी उठा सकते हैं, उससे जो थोड़े थोड़े दूसरे भी लाभ होते हैं उनको गौण लाभ ही संज्ञा दे दी। इस तरह से जब उठाएंगे, जिनको बहुत अधिक मोटापा है वो दोनों पैरों से ना कर पाएंगे शलभासन, वो एक एक पैर से ही कर लें, सीधे लेट जाएंगे। सीधे लेट करके अब तीन अभ्यास, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, पैर सीधे। किसी किसी का पेट ना नीचे लटक जाता है, किसी किसी का नाभि के ऊपर एक ऐसे बढ़ जाता है। डिफरेंट एंगल से ये योगिक अभ्यास हम इसलिए करवा रहे हैं, एक एक पैर को ऊपर उठाइए नीचे ले जाइए, जिससे हर दिशा से बढ़ा हुआ भार संतुलित हो जाए, बैलेंस। योग के लाभों के संदर्भ में जब मैं संकेत करता हूँ तो पांच बातें बताया करता हूँ, बैलेंस, बॉडी माइंड थॉट्स का बैलेंस, केमिकल्स सोर्स हार्मोन्स का बैलेंस। एक एक पैर से दोनों पैरों से ऊपर उठाइए, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म का बैलेंस, वात पित्त कफ का संतुलन, सभी केमिकल सोर्स हार्मोन्स का संतुलन, बैलेंस। संतुलन ही स्वास्थ्य है, बैलेंस इज हेल्थ, इम्बैलेंस ये डिजीज है। लंबे श्वास, संतुलन। दूसरा पुनर्जीवन, डीजर्नेट हुए सेल्स रीजर्नेट हो जाते हैं, ब्रेन के, आईज के, स्किन के, ब्लड के, बोन्स के, लिवर किडनी हार्ट के, हाँ
ये काम करते हैं, अनुलोम विलोम और कपालभाति आदि प्राणायामों के अभ्यास के द्वारा योग में। एक एक पैर को उठाया 5-10 बार, ऐसे 20-25-50 बार तक ऐसे धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाया जाता है। पहले दिन 10 बार से ज़्यादा ना कराएं, फिर दूसरे दिन 15-20 बार, फिर तीसरे दिन 25-30 बार, ऐसे एक सप्ताह में 50 बार तक ले जा सकते हैं। पैर से बड़ा शून्य बनाएं, पहले दिन ऐसे 5-5 बार ही घुमा पाते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बड़ा शून्य बनाते हैं, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हैं। ज़्यादा अभ्यास एक साथ करने से फिर मसल्स पेन करने लगते हैं। तो मैं योग के लाभों को 5 शब्दों में कह रहा था, संतुलन, पुनर्जीवन, रीजनरेट हुए सेल्स को रीजनरेट कर देते हैं, ये किसी दवाई से संभव है ही नहीं। तीसरा, पुनर्जागरण, जो है मूल रूप में प्रसुप्त ज्ञान, प्रसुप्त संवेदनाएं, जो बीज रूप में मैं बार बार कहता हूं, लाइफ लाइक ऐसी, जो बीज रूप में ज्ञान है हमें, बीज रूप में जो संवेदनाएं हमें, बीज रूप में जो पुरुषार्थ है हमें, पराक्रम है, शौर्य है, वीरता है, दिव्यता है, देवत्व है, ऋषित्व है, उस बीज रूप में जो विद्यमान अनंत ज्ञान, असीम संवेदनाएं, अपरिमित सामर्थ्य, पुरुषार्थ, उस बीज रूप में विद्यमान ज्ञान, संवेदना, सामर्थ्य का, शौर्य, वीरता, पराक्रम का जागरण, दाएं के बाद बाएं पैर से जागरण। चौथा लाभ, अशुभ का क्षय, शुभ का उदय, ये चौथी स्टेज है। योगो ही प्रभवाप्य, योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्याति ततः क्षयते प्रकाशावरणम्। तपस्वाध्यायेषु पुनर्धानानि क्रिया योगः समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च, धीरे धीरे अशुभ क्षय होता जाएगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टवंगानि योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति ततः क्षयते प्रकाशावरणम्। दह्यन्ते ध्वायमानानां धातूनां यथामलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। ऐसे बड़ा शून्य बनाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, फिर अब तीसरा अभ्यास, द्विचक्रिकासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, नेम एंड सीक्वेंस, नाम और क्रम याद रखना। मैं कह रहा था योग का चौथा लाभ है, धीरे धीरे शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, एक एक पैर से, दोनों पैरों से कर लेना, शरीर, इंद्रिय और मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, फिर वाणी व्यवहार आचरण के स्तर पर, अभ्यासों के स्तर पर जो दोष है वो धीरे धीरे छटते जाएंगे, हटते जाएंगे, घटते जाएंगे, मिटते जाएंगे। जीवन का प्रयोजन पूरा हो गया, रिलैक्स। ये 12 अभ्यास तो मूल है, फिर एक अभ्यास मरकटासन, दोनों घुटने पंजे पास में, दाहिनी तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन, रिलैक्स होने के। जब इतने अभ्यास करते हैं तो बॉडी का स्ट्रक्चरल बैलेंस कहीं डगमगा ना जाए, गड़बड़ ना हो जाए, इसके लिए ये मरकटासन भी कर लेना, लास्ट इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाएगा। और इससे थाई बटक शिप्स का वेट भी कम होता जब ऐसे फास्ट करते हैं, इससे ये जो थाई बटक शिप्स मोटे मोटे हो गए ना, ये हल्के हल्के हो जाएंगे, हल्के हल्के। ये है मरकटासन का पहला अभ्यास, फिर दूसरे अभ्यास में घुटने पंजों में फासला, इतना फासला कि एक घुटना दूसरे पंजे के पास चला जाए, एक घुटना जमीन पर, गर्दन विपरीत दिशा। फिर तीसरे अभ्यास में पैर को उठाते हैं, अपोजिट साइड के हाथ के पास ले आते हैं, ऐसे ऐसे
पहले धीरे धीरे, बाद में फास्ट कर लेना, तो इससे थाई बटक सीट्स का भार भी कम हो जाता है और रिलैक्स भी हो जाता है। जो भी करें कराएं परफेक्शन के साथ, जिससे जितना बन पाए। फिर अंत में विश्राम सवासन में, ये तो मूल योगासन में, फिर भस्त्रिका कपाल भाती, उज्जायी अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, ये प्राणायाम। 12 मूल अभ्यास, 2 सहयोगी 14 हो गए, और 6 प्राणायाम, 20 अभ्यास होते हैं मोटापा के लिए। शवासन के लिए माथे से लेकर चेहरे से लेकर के पूरे देह को साक्ष्य भाव से देखते हैं और इसको सहज ढीला छोड़ देते हैं। संकल्प पूर्वक देह को शिथिल करना, पहले तन को शिथिल किया, फिर मन को भी स्थिर किया, पहले तन के फिर मन के भी पार आत्मा परमात्मा के द्वार अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो पूर्ण विश्रांति मिलती है। ये शवासन है। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, आपस में रगड़ते हैं, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, खोल देते हैं, वायु करवट लेते हैं।